हिंदू अकेला नहीं है जो ये मेवात में जिहादी प्रवृत्ति वाले हिंदू समाज को चुनौती देते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। इनको सीधी सीधी धमकी है कि 16 अगस्त 2021 को तथाकथित चरमपंथी हिंदू संगठन बजरंग दल ने मेवात के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की। बजरंग दल के कार्यकर्ता रैली निकालते हुए विशेष समुदाय के लिए अभद्र भाषा और हुड़दंग करते हुए दिखाई दिए। कितना अच्छा होता अगर बजरंग दल वाले समाज में नफरत फैलाने के बजाय मेवात में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को लेकर रैली निकालते। यहीं तक नहीं, रैली के दौरान मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेलने की भी कोशिश की गई। कुछ लोगों का कहना है कि दादा नूर शाह के मज़ार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ही तोड़ा, पर मेवात के मुसलमानों ने धैर्य का परिचय दिया और कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। मेवात के हिंदू मुस्लिम समाज ने मिलकर एक पंचायत भी बुलाई है, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि मज़ार को फिर से तामीर किया जाएगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने फेसबुक लाइव में मुसलमानों को जिहादी बता रहे थे और कह रहे थे कि ये जिहादी लोग हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, हम उन हिंदुओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। सवाल ये है कि क्या बजरंग दल के नज़रों में हिंदू खतरे में हैं या फिर ये कोई साजिश है समाज को बांटने की? क्या इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये सवाल खड़ा होता है। इस सिलसिले में जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के अध्यक्ष मौलाना यहया करीमी ने अपने साथियों के साथ नूह जिले के डीसी के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं नूह के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि कांग्रेस विधायक आफताब अहमद इस मामले में पहले ही निंदा कर चुके हैं और सरकार से असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में एक पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसले लिए गए हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर मज़ार शरीफ की तामीर करेंगे और माहौल ख़राब होने से बचाएंगे। लेकिन लोगों के मन में अब भी वही सवाल बाकी हैं कि क्या उन लोगों पर ठोस कार्रवाई होगी जिन्होंने समाज में जहर बोने का कार्य किया है। 85 भाई लाइव पे जुड़े हैं, 85 भाइयों से निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग रखें वीडियो पर, और भाई ये संदेश देना चाहते हैं हम इस माध्यम से कि मेवात का हिंदू अकेला नहीं है जो ये मेवात में जिहादी प्रवृत्ति वाले हिंदू समाज को चुनौती देते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। इनको सीधी सीधी धमकी है कि किसी भी तरह से हिंदू समाज आज कमजोर नहीं है, हिंदू समाज एकजुट हो चुका है, पूरा भाईचारा खड़ा है। ये अपने भाई पंकज जैन फरीदाबाद से। पंकज भाई आप लगातार भाई वीडियो शेयर करते रहो। ये हिंदू समाज ने आज ताकत दिखा दी है, आप विश्वास नहीं मानोगे, कम से कम 10,000 की संख्या मेवात से बाहर से आई है और बजरंग दल हरियाणा की 10,000 की संख्या आज मेवात से बाहर आई है और एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रही है रैली। जितने भी मेवात के अंदर धार्मिक स्थल है, जो मंदिरों में हिंदू जाने से डरते हैं, संकोच करते हैं, आधुनिक मंदिरों में पूरी दल बल के साथ आज बजरंग दल हरियाणा जा रहा है। ये चुनौती है उनको जो बोलते हैं कि हम मेवात को हिंदू को आने नहीं देंगे, हिंदू को बसने नहीं देंगे, उनको सीधी सीधी चुनौती है कि बजरंग दल सब कुछ कर सकता है, हर तरह से तैयार है हिंदू समाज के लिए। आपसे तो निवेदन करूंगा शेयर करते रहना। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1,000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।